नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में मतदान के बाद पेश किया गया 3 तलाक से जुड़ा विधेयक। कांग्रेस, आरएसपी और एआईएमआईएम ने बिल के प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए किया विरोध। संसद से मंजूरी के बाद अध्यादेश की जगह लेगा कानून। राज्यसभा से जल्द पारित हो लंबे समय से अटके विधेयक। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से मांगा सुझाव। नए सत्र में प्रेरणादायक शुरुआत की अपील। कहा, न्यू इंडिया के निर्माण में उच्च सदन की अहम भूमिका। राज्यसभा में सत्र के दूसरे दिन सदन में उठे कई अहम मुद्दे। बिहार में दिमागी बुखार से बच्चों की मौत पर जताई गई चिंता। श्रीलंका में हुए आतंकी हमले की भी हुई निंदा। 27 गैर सरकारी विधेयक हुए पेश। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जीएसटी रेट घटाने को लेकर कमेटी करेगी विचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में फैसला। वस्तु और सेवा कर के पंजीकरण के लिए आधार के इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी। और देश दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में योग को बताया शांति, समृद्धि और सद्भाव के लिए जरूरी। तलाक की प्रथा पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नया विधेयक मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 लोकसभा में पेश किया। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बिल है जिसे केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में पेश किया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नया बिल संविधान की प्रक्रिया के तहत लाया गया है। देश में 3 तलाक के मामले बढ़ रहे हैं और ये विधेयक महिलाओं को न्याय और अधिकार प्रदान करेगा। 543 केसेस ऑफ ट्रिपल तलाक हैज कम फ्रॉम 2017 इन विच मोर देन 229 इज आफ्टर द जजमेंट। तो क्या करें, ये महिलाएं जजमेंट को अपने घर में टांग लें, इसीलिए डिटरेंस जरूरी है। और मेरे पास दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है जिसने ऑर्डिनेंस को अपहोल्ड किया है और ऑर्डिनेंस के बाद 31 केसेस आए हैं। इसलिए सर, ये इंसाफ का मामला है, इंसानियत का मामला है, इस मुल्क की महिलाओं के लिए इज्जत आबरू का मामला है। इसीलिए हमारी सरकार खड़ी है सर, और इस पर हमारी प्रतिबद्धता है सर। हमको लगता था कि चुनाव में हारने के बाद वो इस बात को समझेंगे कि अब थोड़ा सोचने की जरूरत है। मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करता हूं सर और सदन से आग्रह करूंगा इसको पास करें। बिल को लेकर कांग्रेस समेत कई दलों ने अवरोध खड़ा किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बिल दीवानी और फौजदारी कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है। वहीं एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति उठाते हुए विधेयक पर मत विभाजन की मांग की। इफ द पर्पस ऑफ द बिल इज टू एड्रेस the subsequent acts related to triple talaq, the question before us is simple. Is the action of abandoning or deserting a wife and family without responsibility the criminal act, or is the form of desertion, namely doing it by uttering talaq? The bill exceeds the legislative power of the parliament as the subject matter comes under item number 5 of list 3 of schedule 7 of the constitution. That is, the subject matter is in the concurrent list number 1. And number 2, the criminalizing a civil wrong done by a particular community, that is Muslim community, alone is discriminatory. That will be violation of article 14, article 15 and article 25 of the constitution.
सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ट्रिपल तलाक अब वॉइड है, यानी शादी खत्म नहीं होती है। जब शादी खत्म नहीं होती है और हमने कानून बनाया है, क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498 आईपीसी, 125 सीआरपीसी और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो बिकॉज ऑफ दिस योर बिल, प्रपोर्टेड बिल, डज नॉट सेटिस्फाइज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। पिछले लोकसभा में बिल को पारित किया था और ये बिल राज्यसभा में पेंडिंग था, लेकिन 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, इसलिए संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार इस बिल को दोबारा लाया गया है। इसकी जगह अध्यादेश लाया गया था। तो आम चुनाव और 17वीं लोकसभा के गठन के बाद राज्यसभा के पहले सत्र में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने लोकसभा से पारित और राज्यसभा में लैप्स बिलों और ऊपरी सदन में दशकों से लंबित बिलों को लेकर सदस्यों से सुझाव मांगा ताकि विधेयकों को तेजी से पारित किया जा सके। If we fail, we fail our people, we fail our nation. We cannot allow this to happen. We need to reassure each citizen that we can bring about a distinct change, and that change shall begin with each political party and each member of this House. Honorable members, through carefully considered and expeditious disposal of business is the touchstone of our efficiency. In this context, I would like to mention a few issues that seems to be impending speedy passing of bills. And I want you people to ponder over this, not now, but across the country, hold consultations. The bills passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapse with the dissolution of the House of the People. They have to be reintroduced in Lok Sabha, and the entire process has to be gone through afresh. This means a lot of delay. Can we make any change in this regard? Or just suggestion. The House of Parliament seems to lose a lot of time in disruptive expression of adversary position. Can we change this approach and improve the quality of debates and make decision making a little quicker than now? Third, quite a few bills are pending in Rajya Sabha for decades without required consideration. Should we continue them or treat them as lapsed? Let me elaborate on each one of them and suggest we collectively only think of feasible solutions to each one of them. सभापति एम वेंकैया नायडू ने व्यवधानों के कारण राज्यसभा में कामकाज नहीं होने पर चिंता जताई। सभापति ने सभी सांसदों से इस सत्र के साथ एक प्रेरणादायक नई शुरुआत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2022 तक न्यू इंडिया बनाने में संसद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, सभी को इस विकास में भागीदार होना चाहिए। That come in the way of rapid socio-economic transformation of our country. To realize this vaulting aspiration of our people, cutting across the boundaries of caste, creed, region and religion, parliamentarians need to redefine and recalibrate their ways of thinking and acting and have to make a clear break from the past. We have to be more agile, forward-looking and capitalize on our collective wisdom. Niti Aayog and the government have come out with a vision and a set of goals for 2022. Our parliament over the next few years has a crucial role to play in making of a new India by 2022, in which we all can take pride. As the Vice President of India, the Chairman of this august House, and an individual with some years of experience in public life, I fervently appeal to all parliamentarians to make an inspiring fresh start beginning with this session. राज्यसभा में आज सदस्यों ने कई अहम मुद्दे उठाए। बिहार में दिमागी बुखार का मुद्दा सदन में उठा। शून्यकाल के दौरान सीपीआई केरल के सांसद बिनॉय विश्वम ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पीड़ित गरीब परिवार से आते हैं, सरकार डॉक्टरों की फौज प्रभावित इलाकों में भेज रही है, लेकिन हालात पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। Is not known. The children from poor backgrounds, the sons and daughters of the peasants, poor peasants, the workers, the toilers, they are being killed, sir. The government is telling that they have deployed battalions of daughters to Bihar. What will they do, sir, there? Daughters in big number can't solve the problem. Sir, the hospitals, they have no medicine, no infrastructure, nobody to take care for them.
वहीं राज्यसभा में दिमागी बुखार से हुए बच्चों की मौत को लेकर मौन रखा गया। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन की संवेदनाएं पीड़ित परिजनों के साथ है। Honorable members, we have the news of a number of children dying in state of Bihar, and the house condoles the death of these helpless children also. We will stand for a minute silence to pray for the memory of those children who lost their lives. केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी परिषद की आज पहली बैठक दिल्ली में हुई। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। आज की बैठक में कई जीएसटी नियमों को मंजूरी दी गई और इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स घटाने के मामले को फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है। ये कमेटी ईवी पर जीएसटी में कमी पर फैसला करेगी। जीएसटी काउंसिल ने ई इनवॉइसिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया। लॉटरी पर एक समान टैक्स रेट तय करने और सिंगल पॉइंट रिफंड सिस्टम और ई चालान जारी करने के लिए कंपनियों के लिए समान व्यवस्था बनाने पर फैसला होने की उम्मीद है। I was quite happy that the environment was very conducive, good, meaningful discussions happened, absolutely to the point discussions, and across the board there seemed to be a very solid understanding on the issues related to the GST. It was such a very heartening experience to be here. GST rate on sale of electric vehicles from the current 12% to 5%. And also the GST rate on the electric chargers, where the leasing of electric vehicles, so reducing rate on that GST on the leasing of the electric vehicles. So all these three proposals have been sent to the Fitment Committee. तो सरकार के गठन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की पहली बैठक ली। और आपको बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री और प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। कई अहम फैसले लिए गए हैं, खासतौर पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उस पर टैक्स घटाने के मामले में फिटमेंट कमेटी के पास इसे भेजा गया है और कमेटी ईवी और जीएसटी के कमी पर फैसला करेगी। जीएसटी काउंसिल ने ई इनवॉइसिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये अहम फैसला लिया गया है। ब्रिटिश हेराल्ड के पोल में पाठकों ने दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर 25 शख्सियतों में 4 का चुनाव किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 18.1% लोगों ने वोट किया है और वो चौथे स्थान पर रहे हैं। ये दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को लेकर रीडर्स की पोल है। ब्रिटिश हेराल्ड के जो पाठक हैं उन्होंने इस पोल में भाग लिया है। तीसरे स्थान पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है और उन्हें 21.9% वोट मिले हैं। वहीं 29.9% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहे। और ब्रिटिश हेराल्ड के पोल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2019 में दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स चुना है। सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा 30.9% वोट ब्रिटिश हेराल्ड रीडर्स के पोल में मिले हैं। और आपको बता दें कि इस पोल में दुनिया के अन्य ताकतवर नेताओं को भी शामिल किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर ब्रिटिश हेराल्ड मैगजीन के जुलाई संस्करण के कवर पेज पर प्रकाशित की जाएगी, जो 15 जुलाई को रिलीज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री का जापान दौरा 27 से 29 जून के बीच होगा। प्रधानमंत्री के G20 सम्मेलन में शामिल होने के बारे में आज विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि ये छठा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और सुरेश प्रभु G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के साथ होंगे। प्रधानमंत्री G20 की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे और इसके अलावा ऊर्जा, वैश्विक वित्त स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और बहुपक्षीय संगठनात्मक सुधार के मुद्दे पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। जापान के ओसाका शहर में 27 से 29 जून के बीच G20 सम्मेलन का आयोजन होना है। G20 being obviously consists of such members who together contribute to almost 85% of global GDP, economic issues assume great importance. And particularly in the light of so many interesting developments recently, in the light of fear about global slowdown, I am sure one of the very important issues that will be discussed in the G20 summit in Osaka. और आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी हुई खबरें। देश और दुनिया में आज 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, तमिलनाडु, सिक्किम और देश के सभी राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। दुर्गम स्थानों में भी लोगों का योग के लिए जोश देखने लायक दिखा। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं योग दिवस पर, जो लोगों में उत्साह देखने को मिला योग को लेकर। 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां 35,000 से ज़्यादा लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के बदलते हुए समय में बेहतर जीवन शैली पर हमारा फोकस होना ज़रूरी है। आज के बदलते हुए समय में इलनेस से बचाव के साथ साथ वेलनेस पर हमारा अधिक फोकस होना जरूरी है। यही शक्ति हमें योग से मिलती है, यही भावना योग की है, पुरातन भारतीय दर्शन की भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग अनुशासन है, समर्पण है और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है। योग आयु, रंग, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, अमीरी गरीबी, प्रांत और सरहद के भेद से परे है। जब उत्तम स्वास्थ्य होता है तो जीवन की नई ऊंचाइयों को पाने का एक जज्बा भी होता है। थके हुए शरीर से, टूटे हुए मन से न सपने सजाए जा सकते हैं, न अरमानों को साकार किया जा सकता है। राष्ट्रपति भवन में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यहां राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग शिविर में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। योग
यह केवल एक कार्यक्रम है जो कि नहीं है, बल्कि यह योग को हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनाने का तरीका है। इस तरह के आयोजनों के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए योग को समाज के हर स्तर के लोगों में तथा भिन्न भिन्न आयु समूहों में लोकप्रिय बनाया जा सकता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। बहुत प्यार से परमात्म किरणों की बरसात हो रही है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, गोल गोल घुमा देंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, गोल गोल घुमा देंगे। कंधों के लिए बहुत It is a holistic discipline which leads to a healthy state of mind, robust body and complete well-being of an individual. Yoga also means union of spirit and matter, thought and action, man and nature. A true yogi develops harmonious relationship with the self, others and the environment that form foundation of healthy societies and a healthy planet. Yoga is a way of life that entitles simplicity, honesty, compassion and respect for all creatures and natures. It is a lifestyle based on non-violence at every level in thought, feelings, words and action. Yoga advocates to the extent that we reduce the external paraphernalia in our life and even clear away the clutter of our mind, the more we'll be able to concentrate, the we find inner peace. तो संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने भी योग शिविर का आयोजन किया गया। लोकसभा के नव निर्वाचित स्पीकर ओम बिरला ने संसद भवन में योग कार्यक्रम में शिरकत किया और योग भी किया। इस मौके पर लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने योग किया। वहीं सांसदों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने भी योग किया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज पूरे देश में, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। शरीर को स्वस्थ रखना है तो योग की प्रयास, सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है और मुझे आशा है कि आज संपूर्ण देश ने, पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग पर नियमित रूप से, रोजाना, केवल आज नहीं, नियमित रूप से योग सूक्ष्म व्यायाम करेगा ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। वहीं राज्यसभा सचिवालय में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक अलग अंदाज में मनाया गया। संसद भवन परिसर में जेएमसी बालयोगी सभागार में आयोजित योग पर डेमो और लेक्चर का उद्घाटन राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने किया। मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के विशेषज्ञों ने डॉक्टर हिमानी शोखंड के नेतृत्व में कर्मचारियों और अधिकारियों को योग के गुर सिखाए। इस मौके पर कर्मचारियों ने अपने घर और दफ्तर में काम लायक कुछ जरूरी क्रियाओं को सीखा। महासचिव राज्यसभा ने स्कूली दिनों में अपने निजी अनुभवों के आधार पर योग और ध्यान को बेहद उपयोगी बताया। We are losing sight of our own values while the whole world is looking towards it. I only hope that in today's function and today's demonstration, which I am sure will be of the best standard coming from this very renowned institute which Government of India has set up, and they would be able to demonstrate to you the correct technique of yoga. And as much as I know of yoga, more than the physical exercises, the breathing with which goes with it is also very important. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरियाणा के रोहतक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योग किया। गृह मंत्री अमित शाह ने 21,000 लोगों के साथ योग किया। कार्यक्रम में उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सांसद अरविंद शर्मा और सभी मंत्री मौजूद थे।
बाई नासिका से श्वास को अंदर भरिए, बाई नासिका हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लोगों ने योग के आसन और मुद्राओं का प्रदर्शन किया। आयोजन के दौरान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि योग विभिन्न बीमारियों से बचने और मधुमेह, तनाव जैसी बीमारियों में काफ़ी राहत देता है। So there is not a lot of evidence that has accumulated over decades and a lot of research done at the All India Institute of Medical Sciences and continuing research which shows that yoga is helpful in a number of illnesses, especially chronic illnesses. And now when we are seeing more and more non-communicable diseases like diabetes, hypertension, stroke, cardiovascular diseases, there is accumulating evidence that regular yoga is not only useful for preventing these diseases but also helps in better control of a lot of these chronic diseases. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर सूर्य नमस्कार योगासन मुद्रा वाली तस्वीर को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ इस दौरान एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ जिसमें संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत सैयद अकबरुद्दीन समेत कई अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं भारतीय दूतावास ने नेपाल के जनकपुर स्थित जानकी मंदिर परिसर में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं ब्राजील में भी लोगों ने योग दिवस को खासा उत्साह के साथ मनाया। और एक तस्वीर आप अमेरिका की देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों के जीवन शैली में योग किस तरह से रचा बसा है उसकी तस्वीर देखने को मिली। और अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां दिमागी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में दिमागी बुखार के चलते अब तक 130 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। राज्यसभा टीवी के संवाददाता पंचानन मिश्रा ने उन गांवों का जायजा लिया जहां दिमागी बुखार से कई बच्चों की मौत हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं वैशाली जिले के हरवंशपुर गाँव में, और हरवंशपुर गाँव में जो चमकी बुखार था यानी इंसेफ्लाइटिस था, उसका कहर कुछ इस तरह था कि यहाँ करीब 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। और उसके बाद ये हुआ कि गांव के लोगों ने अपने बच्चों को आसपास के जो बड़े इलाके हैं, चाहे पटना हो या फिर आसपास के इलाके, वहाँ पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। एक घर ये देखिए जहाँ ताला लगा हुआ है, यहाँ इस घर में कम से कम 8 बच्चे थे जो छोटे थे और जिनको एहतियातन यहाँ के जो घर के लोग थे उन्होंने दूसरी जगह यानी पटना ले गए, इसे चले गए। और देखिए अब सिर्फ बुज़ुर्ग लोग घर बचे हुए हैं। क्या नाम है आपका, बच्चे कितने थे, कहाँ चले गए? बच्चे 4 बच्चे थे, 4 बच्चे संध्याना थे भी। अच्छा, और अकेले हम मान के चलते रह गए हैं मलेशिया के चलते। क्या रहा है, क्या कारण है एईएस की वजह से ही है इंसेफ्लाइटिस? हाँ, यही एईएस ही है मेन करके कारण से बच्चा का डेथ हुआ। यहाँ 5-6 बच्चा का डेथ हुआ, लेकिन यहाँ हज भगवानपुर हॉस्पिटल में सब मुजफ्फरपुर बगरा में। तो अब क्या करते हैं यहाँ कर एम्बुलेंस लाकर आप लोग, क्या कैसे देखभाल करते हैं? यहाँ एम्बुलेंस का बच्चा बीमार पड़ा जाए कभी उसको। और बुखार जो यहाँ पर चमकी है यानी कि इंसेफ्लाइटिस है, उसका डर बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोग आप बताएंगे, वैसा भी बताइए यहाँ पर गांव में लगभग कितने बच्चों की डेथ हुई? इस मोहल्ले की बात कर रहे हैं, इस मोहल्ले में 4 बच्चे की डेथ हुई है, और इसके बाजू के गांव में भी हुआ है और इधर बाजू में भी हुआ है। लोग घर छोड़ कर चले गए, कितने परिवार ऐसे हैं जो चले गए जिन्होंने बच्चों को शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह? करीब 20-25 के आसपास परिवार लोग बच्चे लेके चले गए हैं यहाँ से। जी, डर बना हुआ है सभी के अंदर में कि हमारे बच्चों को भी ऐसा भी नहीं हो जाए और मेरा बच्चा भी डेथ ना कर जाए। इसी वजह से यहाँ बच्चे लेके सिर्फ बूढ़े लोग हैं, हस्बैंड लोग हैं, जिसके पास मवेशी है, माल है, वो यहाँ पर है देखने के लिए उसको, और बाकी वाले सब है लेडीज और बच्चे लोग सब यहाँ से अपने मायके या कहीं दूसरे जगह बाहरे पे रूम में रह रहे हैं। तो ये इंसेफ्लाइटिस का यहाँ पर लगातार खतरा बना हुआ है। उसका कारण ये है कि इंसेफ्लाइटिस की जो वजह है वो बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी या उमस के कारण जो है बच्चे बीमार पड़ते हैं, उसके बाद जो उसके सिम्टम्स है वो दिखाई पड़ते हैं, और जिनको समय पर इलाज नहीं मिल पाता दूर जाते हैं मुजफ्फरपुर, अगर वहाँ पर समय पर इलाज नहीं मिल पाता तो उनकी मौत हो जाती। यही वजह है कि गांव से जो है बहुत तेज़ी से बच्चों को हटाया जा रहा है, एक तरह से कहिए कि पलायन भी किया जा रहा है, और इंतज़ार इस बात का है कि मौसम जब ठीक हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, तो बच्चों को वापस लाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में
वैशाली जिले के हरिवंशपुर से हमारे इनके साथ पंचानंद मिश्रा राज्यसभा टीम। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।